जो हमारा विकास दर रेंग रहा था, आज मोदी जी ने वेंटिलेटर तक पहुंचाने का काम कर दिया। वो ऐलान मोदी जी का था, भगवान का नहीं था। नमस्ते ट्रंप मोदी जी ने करवाया था, भगवान ने नहीं कराया था। थाली मोदी जी ने पिटवाया, भगवान ने नहीं। घोटाला बीजेपी सरकार ने किया, इसमें भगवान को दोष देके कोई फायदा नहीं है। ट्रेन का किराया निकालने का जुर्रत मोदी सरकार ने किया, उसमें भगवान का कोई दोष नहीं था। 45-50 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी लॉकडाउन से पहले पहुंच चुकी थी। लॉकडाउन से पहले 12 महीनों में जीडीपी का विकास दर पिछले 12 महीनों में लॉकडाउन से पहले 40% गिर चुका था, लगभग आधा हो चुका था। लॉकडाउन से पहले हमारी अर्थव्यवस्था को तुगलकी नीतियों के द्वारा कमजोर किया गया था मोदी सरकार के लोगों के नेताओं के द्वारा। बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग किए हुए लॉकडाउन से जो हमारा विकास दर रेंग रहा था, आज मोदी जी ने वेंटिलेटर तक पहुंचाने का काम कर दिया। तो आज हम इस विषय पे आपसे कुछ बातें करना चाहेंगे। मोदी सरकार के लोग कहते हैं कि ये जो अर्थव्यवस्था का सर्वनाश हुआ है वो एक्ट ऑफ गॉड है, यानी कि भगवान का कार्य है। ये गलत है। 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने जब नोटबंदी का ऐलान किया था, करोड़ों नौकरियां नष्ट हुई थी, वो ऐलान मोदी जी का था, भगवान का नहीं था। 2017 में कांग्रेस की बेहतरीन नीति जीएसटी को बिना सही तैयारी के तोड़ मरोड़ कर जीएसटी से गब्बर सिंह टैक्स बनाकर लागू करने वाले मोदी जी थे, उसमें भगवान का कोई दोष नहीं था। लाखों छोटे मध्यम उद्योगों को चोट पहुंची, हजारों लाखों लोग बेरोजगार हुए थे। लॉकडाउन तक आते हैं, कोरोना के काल में आते हैं। फरवरी 12 को राहुल गांधी जी ने कहा कि कोरोना महामारी से देशवासियों को और देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा खतरा है, सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है, सही समय पर सही काम होना अत्यंत आवश्यक है। मोदी जी ने फिर दिखा दिया कमाल। 24 फरवरी को सही समय पर सही काम कर दिया। 100 करोड़ रुपए खर्च किए, 125,000 गुजराती भाई बहनों को नमस्ते ट्रंप कर कोरोना के खतरे में डाल दिया। नमस्ते ट्रंप मोदी जी ने करवाया था, भगवान ने नहीं कराया था। राहुल जी बार बार चेतावनी देते आए थे। 17 मार्च को उन्होंने फिर कहा कि आर्थिक सुनामी आने वाली है, देश और सरकार को सही तैयारी करने की जरूरत है। सही तैयारी करने की जरूरत है अगर आर्थिक सुनामी को कम करना है तो। मोदी जी और उनके सरकार ने क्या किया? 24 मार्च को बिना सही तैयारी का, बिना सही प्लानिंग का संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। बिना सही तैयारी का, बिना सही प्लानिंग का लॉकडाउन मोदी जी ने किया, भगवान ने नहीं किया। चलो संपूर्ण लॉकडाउन किया तो किया, संपूर्ण भारत ने, सभी दलों ने, सभी नागरिकों ने मोदी जी का दिल से, विश्वास से, भरोसे से, बर्दाशी से साथ दिया। आपने लॉकडाउन का समय का सही उपयोग करना चाहिए था आपको, उसके बजाय आपने क्या किया? आपने देश भर में लोगों को इकट्ठा करके थाली पिटवा दी। थाली पीटने से कोरोना कम नहीं होता। गांवों में कहावत है कि थाली पीटने से लक्ष्मी भाग जाती है। थाली मोदी जी ने पिटवाया, भगवान ने नहीं।
हॉस्पिटल के बेड खरीदने की जरूरत थी, आपके मंत्री भाभी जी के पापड़ बेच रहे थे, पापड़ आपके मंत्री जी बेच रहे थे, भगवान ने नहीं कहा था उनको बेचने के लिए। फिजिकल डिस्टेंसिंग का जहां ख्याल रखना जरूरी था, आपके मंत्री और नेता भीड़ जुटा जुटा कर गो कोरोना को के नारे लगा रहे थे, कोई मशाल जुलूस निकाल रहा था, मजाक बना के रखा हुआ था, ये आपके नेताओं ने और आपके मंत्रियों ने करवाया। देश में दवाई, पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स की जरूरत थी, आपकी सरकार ने क्या किया? बाबा रामदेव के द्वारा कोदोनिल का दुकान खुलवा के छोड़ दिया। कि आपके सरकार ने किया, भगवान ने नहीं किया, बाबा रामदेव ने किया। कोरोना बढ़ रही थी, लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, चीखे निकल रहे थे, वेंटिलेटर की जरूरत थी, ऑक्सीजन की जरूरत थी। बीजेपी सरकार ने गुजरात में वेंटिलेटर खरीदना था दूर, वेंटिलेटर का घोटाला शुरू कर दिया। घोटाला बीजेपी सरकार ने किया, इसमें भगवान को दोष देके कोई फायदा नहीं है। करोड़ों मजदूर गरीब भूखे थे, आपके सरकारी गोडाउन में अनाज पड़ पड़ कर सड़ रहा था, उसका जिम्मेदार मोदी जी और उनके सरकार हैं, भगवान की उसमें गलती नहीं है। हमारे बेबस, बेसहारा, बेरोजगार मजदूर दिन रात कोई अपने बच्चे को उठाकर, कोई अपनी बूढ़ी मां या बूढ़े पिताजी को उठाकर गर्मी में पैरों में छाले लेकर बिना पानी बिना खाने के तड़प तड़प कर चल रहे थे दिन रात, तो वो आपकी सरकार के बिना सोचे बिना समझे बिना प्लान के हुए लॉकडाउन का नतीजा था। उसमें आप आज भगवान का नाम नहीं जोड़ सकते। जब हमारे प्रवासी मजदूर भाई घर आना चाहते थे तो उनके लाचार बेबस जेब में हाथ डालकर ट्रेन का किराया निकालने का जुर्रत मोदी सरकार ने किया, उसमें भगवान का कोई दोष नहीं था। Press the bell icon and never miss any update from TNNI.